अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है फ्राई एग टोस्ट की रेसिपी। उसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। एक प्याली में इसमें शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। 2 अदद हरी मिर्च बारीक कट की हुई, गाजर क्रश की हुई 1 प्याली, 1/2 टमाटर स्मॉल साइज़ का बारीक कट किया हुआ, 1 स्मॉल साइज़ की प्याज, 1 प्याली बंद गोभी, 3 अदद अंडे, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक एंड 1/2 टीस्पून काली मिर्च। इसके अलावा ब्रेड पीसेस मैं इसमें यूज़ करूँगी, जिसे मैंने इस शेप में कट कर लिया है। एक बाउल में मैंने तीनों अंडे तोड़ लिए हैं। अब मैं इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी। प्याज, बंद गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, हरी मिर्च और ऑल स्पाइसेस। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया बाउल से, ताकि मैं ब्रेड पीसेस पे अच्छे से इसे लगा सकूँ। नॉनस्टिक मैंने यहाँ पे पैन यूज़ किया है, इसके नीचे मैंने मीडियम फ्लेम ऑन कर दिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें ब्रेड का पीस रख देंगे। ब्रेड पे इसे मैंने अच्छे से लगा लिया बैटर को, मैं इसे पैन में ऐड कर दूँ और अभी हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दूसरा पीस भी मैं इसके साथ ही रख दूँगी फ्राई करने के लिए। एक पीस की मैं साइड चेंज कर दूँगी। दूसरी साइड से इसे फ्राई करने के लिए दूसरे पीस की भी साइड में चेंज कर दूंगी, ऐसे ही अच्छे से इसे फ्राई करने के लिए। दूसरी साइड से चेक कर लेते हैं इसको। ये देखें, दूसरी साइड से भी अच्छे से बन के तैयार हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। मैं एक और पीस ऐड कर दूंगी इसी पैन में। दूसरा ब्रेड पीस भी हम इसके अंदर रख देंगे और ऐसे ही हम सब पीसेस बना लेंगे। ये ब्रेड पीसेस भी तैयार हैं, मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। टेस्टी फ्राई एग टोस्ट की रेसिपी बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए या लंच में यूज़ करने के लिए या इवनिंग में टी के साथ इसे इजीली यूज़ किया जा सकता है। आप इसे बनाएं, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।